नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बॉलीवुड तमाशा टीवी में। द फिल्म कश्मीर फाइल्स को 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में 7 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था, लेकिन डायरेक्टर अग्निहोत्री का कहना है कि उन्हें ये सब नहीं चाहिए। उन्होंने एक लंबे बयान में इस अवार्ड शो को अनैतिक और चापलूसी भरा बताया है। उन्होंने कहा है कि राइटर, डायरेक्टर और क्रू के लोगों को एक्ट्रेस का गुलाम समझा जाता है। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ने अपने रिलीज के साथ देश भर में तहलका मचा दिया था। कश्मीर पंडितों के दर्द पर आधारित इस फिल्म ने दर्शकों को खूब रुलाया और उन्हें एहसास दिलाया कि अपने घर को खोना क्या होता है। इस फिल्म की खूब तारीफ हुई थी और दर्शकों ने इसे काफी पसंद भी किया था। इस फिल्म को 68वें फिल्म फेयर अवार्ड में 7 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है, लेकिन डायरेक्टर अग्निहोत्री का कहना है कि उन्हें ये सब नहीं चाहिए। विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म फेयर को मुंह पर ना कर दिया है। अवार्ड लेने से मना करने की बात का कारण भी उन्होंने अपने लंबे बयान में दिया है। विवेक ने ट्विटर पर अपनी बात रखते हुए कहा, मुझे मीडिया से पता चला है कि द कश्मीर फाइल्स को 7 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है, लेकिन मैं इन अनैतिक और सिनेमा के विरुद्ध अवार्ड्स को नम्रता से नकारता हूं। इसका कारण भी बताता हूं। उन्होंने आगे लिखा, फिल्मफेयर के मुताबिक स्टार्स के अलावा किसी का कोई चेहरा नहीं है। किसी के होने न होने से फर्क नहीं पड़ता। फिल्मफेयर की अनैतिक दुनिया में मास्टर डायरेक्टर जैसे संजय लीला भंसाली और सूरज बड़जात्या के कोई चेहरा नहीं है। भंसाली की पहचान आलिया भट्ट से होती है तो सूरज की मिस्टर अमिताभ से और अनीस बजमी की कार्तिक आर्यन से। ऐसा नहीं है कि फिल्मफेयर अवार्ड से किसी फिल्मकार की इज्जत बढ़ती है, लेकिन ये शर्मिंदगी का सिस्टम खत्म होना चाहिए। इसलिए मैं बॉलीवुड के इस भ्रष्ट, अनैतिक और चापलूस भरे अवार्ड को नकारता हूँ। मैं ऐसा कोई अवार्ड नहीं लूंगा। मैं ऐसे भ्रष्ट और दबाव डालने वाले सिस्टम का हिस्सा बनने से इनकार करता हूँ, जो राइटर, डायरेक्टर, दूसरे HOD और क्रू मेंबर्स को स्टार्स के नीचे और उनका गुलाम समझता है। जो लोग जीतेंगे उन्हें मेरी तरफ से बधाई। अच्छी बात यह है कि मैं अकेला नहीं हूँ। धीरे धीरे एक समानांतर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी हो रही है। तब तक सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी जरूर चाहिए। विवेक को अपनी बात के लिए कमाल आर खान उर्फ KRK का सपोर्ट मिला है। KRK ने कमेंट में लिखा, भाई साहब सही निर्णय लिया है। विवेक के ट्वीट पर कई यूजर्स ने अपना रिएक्शन दिया है। यूजर्स ने डायरेक्टर की बात को सही बताया है, तो कुछ ऐसे भी हैं जो उन्हें इस पर वार कर रहे हैं। 27 अप्रैल को 68वें फिल्मफेयर अवार्ड का आयोजन मुंबई के वर्ल्ड कलेक्शन सेंटर में होगा। इस शो के होस्ट सलमान खान हैं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स की बात करें तो यह फिल्म मार्च 2022 में रिलीज हुई थी। इसने लगभग 250 करोड़ रुपए का कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर किया। विवेक ने अपनी इस फिल्म को ऑस्कर 2023 की रेस में भी भेजा था, लेकिन ये नॉमिनेशन पाने में नाकाम रही। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की सोच पे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मैं मिलता हूँ आपको अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।